वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो मेरी, जैसे कि आपको पता है, मेरी बहन की शादी आ रही है, तो हम आज ब्राइड टू बी सेलिब्रेट करना है अल रहमान। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। तो हम लोग ने ये स्लैश ली है और ये हमारी ब्राइड है जिनकी शादी होने वाली है, और ये हमारा केक वगैरह, और सब ने ब्लैक थीम पहने, पूरी ब्लैक थीम है। और तो ये है हमारी गर्ल्स गैंग, सब हाई कर दो। तो अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, आप लोग को बहुत मज़ा आएंगे, पूरी शादी सीरीज चलने वाली है। तो अभी ये फर्स्ट व्लॉग है शादी का, तो आप लोग देखिए पूरा सेटअप हमने कैसे करना है। तो हमारी ब्राइड अभी अपना क्राउन पहन रही है, आप लोग प्लीज माशाल्लाह बोल देना। तो चलिए अब हम लोग एंजॉय करते हैं। इधर देखे तो बोलो कुछ। तो अभी हम लोग क्या चीज़ बना रहे हैं, आप लोग बताना, पार्टी कैसी भी है, आप लोग उसको बेस्ट विशेष भी दे सकते हैं, अपनी दुआएं भी दे सकते हैं। तो हमारे इधर की जितनी भी बॉयज ही आएंगे, हम लोग थोड़ी जलन हो रही होंगी, बट तुम लोग अपनी पार्टी करो, हम लोग अपनी पार्टी करें। ये हैप्पी ब्राइड टू मी, हैप्पी ब्राइड टू मी। ठीक है, तो अभी सबको बाजी के बारे में एक अच्छी बात बताना और एक बुरी बात। पहले स्टार्ट करते मम्मी से, बताओ मम्मी क्या अच्छा है। अच्छी बात ये है मेरे से साई बेबी ले जाने के लिए इनकार नहीं करती है, और बुरी बात ये है कि खाना नहीं खाती। नहीं, वो मैं बोलने वाली थी। मैं बोलूँगी, मेरे को बहुत परेशान करती खाने के लिए, क्या खाएंगी बेटा, क्या खाएगी बेटा। ठीक, सबसे बुरी बात ये है। ठीक है, अब चाची की बारी। बताओ तुम पापा रही है। मेरे पास तो रही, बहुत रही हूँ, अब नहीं आती ना मेरे पास। अब नहीं आती मेरे पास। हाँ, तो एक अच्छी बात बताओ जो लगती इसमें, मतलब पहले अच्छी लगी हो या अभी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी क्या, बहुत रहे मेरे पास तो, बहुत रही। चच्ची सब करेंगे। हाँ, खाना चच्ची खिलाएंगे, सब चच्ची करेंगे, और पीछे पीछे, और पास पास में सोती भी थी, और अब नहीं आती। ये बुरी बात है, अब नहीं आती। अब तो शादी होने वाली, मतलब कुछ दिन पहले भी बोली सुफिया ने, देखो अपनी शादी होने वाली होगी, अभी भी आके बैठती नहीं। मैंने आना चाहिए, यानी इतना बच्चा रहा पास में तो ज़्यादा वो लगता है ना बच्चे का। वही, अब बाजी मेरे लिए अच्छी बात ये है, सबसे ज़्यादा फिर से मेरे लिए अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा फिटी है टैबा, और वो खाना नहीं खाती, बहुत परेशान करती है मम्मी को, कभी खाना नहीं खाती हमारे घर का। अब सानिया जल्दी, सानिया होना चाहिए थोड़ा बहुत सबको। वो खुशी खुशी जब जाना चाहती है तो आप उसको खुशी खुशी जाने दो। बाहर गए तो सुफिया के सेरेलेक्स कर देते हैं, तो आप मैं बस और ये। तो अभी हम लोग एक चैलेंज कर रहे हैं, हु नो मी बेटर, चची चची या मम्मी। ठीक है,
तो इसकी एक बचपन की आदत बताओ। आदत हाँ। जिद्दी जिद्दी तो बहुत ज्यादा है और अभी भी जिद्दी छे। उसको सलमान को बहुत संभालना पड़ेगा और उनके सास को और देखना पड़ेगा। बच्ची के जैसा ध्यान रखना पड़ेगा। बचपन से ही जिद्दी है, पैदाइश ही जिद्दी है। और आपके हाथ का उसको क्या पसंद था? मेरे हाथ का डोसा, इडली। हाँ इडली पसंद है, डोसा पसंद है और टिक्के वाली बिरयानी और वो गावरानी वाला सालन जो गावरानी स्टाइल में बनता है। अभी चाची के हाथी क्या पसंद है? अब बचपन में बताओ, सोचो सोचो। बिरयानी पसंद है। और क्या पसंद है? बचपन में तो क्या वो सब खाती थी। बचपन बचपन की बात बताओ। बोलना मछली भी खाती थी शौक से, फिर सभी चीजें खाती थी, अभी पर अभी गोश्त खाती ही नहीं है। वो चिकन भी एक छोटा सा पीस खाती है, अभी नहीं खाती, पहले खाती थी सब, अभी नहीं के बना। अब तो इसका फेवरेट कलर क्या होगा? सोचो, हर बच्चे का फेवरेट कलर आज के जमाने में क्या है? पिंक। बार्बी डॉल थोड़ी ना। बताओ आप बताओ। मेरे को तो लगता है इसका रेड कलर है, इसका रेड ड्रेस ज्यादा लिए। अच्छा अच्छी बता। पहले नहीं ज्यादा करते, उसके सिंग में ब्लैक या व्हाइट। हाँ ब्लैक सही आंसर। ब्लैक ही सर को कॉन्फिडेंस फील होता ना पहनने के वजह से। और पहले जब बचपन में और अभी में इसमें क्या चेंज है, मतलब दिखने में कौन सी चीज में? पहले बहुत ज्यादा मोटी थी, पहले अभी हो गई है सर। अच्छा अगर इसको भारती को ये चीज खाने में तीन ऑप्शन में, ये क्या खाए? मार्गरेटा पिज्जा, मोमोज, सुन लो नहीं नहीं और नहीं तो चाइनीज में से। अच्छे से सोचो, ठीक दोनों बताओ। मोमोज का शौक से चाइनीज में क्या करते? चिली चिकन खाते हैं। पिज्जा मोमोज। अच्छा पिज्जा पिज्जा खाते हैं बच्चे आजकल ज़्यादा शौक से। इसमें मार्गरेटा पिज्जा बहुत पसंद है। तो अभी इन दोनों का हो गया, अभी आएंगे। आए नहीं है तो हम लोग उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें रहना चाहिए था, ये लास्ट गेट टुगेदर है हमारा, उसके बाद तो डायरेक्ट शादी। आमिना और आमिना ने भी आना चाहिए था। और बाकी लोग भी इसलिए नहीं आए क्योंकि सब कोई ना कोई चीजों में बिजी है। आज संडे है, सबका कुछ ना कुछ काम रहे। ठीक है। एसी की हवा बहुत ज्यादा आती थी हमेशा टेबल के नीचे। हाँ वो टेबल बड़ा था, उसके नीचे अपना बिस्तर डालती थी वो और अपना सो जाती थी। मतलब ऐसे टेबल के नीचे ना। हाँ नहीं ऊंचा था, ऊंचा टेबल था या फिर वो पलंग के नीचे। हाँ नहीं टेबल के नीचे। बचपन में बिल्ली बुलाते थे और उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो पूरी कूलर की हवा उसको मुंह पे होनी चाहिए। और अभी उसको राजू बुलाते हैं। ये और सुफियान एक दो बच्चों से नीचे से झगड़ा भी करके आए थे, घोड़ देते थे हम किसी को भी। और मतलब ऐसे लकोड़ते थे कि पूरा खून निकाल देते थे। तो बाजी रही है चच्ची और हमारे चाचा के साथ विजयवाड़ा में, जहाँ पे इन लोग समर वेकेशन मनाने जाते थे। हम नहीं जाते थे। अगर कोई उधर से देख रहा है इसको, प्लीज उधर का डोसा चटनी भेज दो। हम लोग बाबरा चाचा को बहुत मिस करते हैं क्योंकि वो मैं उनकी बहुत ज्यादा लाडली थी और मैं एक बार स्टेशन पे घूम गई थी। नो इमोशनल कुछ, बहुत परेशान हो गए थे, बहुत रोए थे जब तक मैं मिली नहीं थी। ठीक है कोई नहीं, सब इमोशनल हो चुके, सबके आंखों में आंसू है। इधर बहुत ज्यादा रोए थे कि अबू, मतलब उन्होंने बोले थे कि मेरी जिम्मेदारी पे मैंने लाया हो, अगर वो नहीं मिली तो कैसा होगा। बहुत पूरा रोना चालू कर दिया। मैं बहुत छोटी थी और वहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है तो इसलिए।
वही हम लोग भी उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं। मैं तो आपको बोलती भी, अगर वो अभी आज रहते तो वो वही अब्बू पूरे शादी में अकेले पड़ चुके, वो बहुत ज्यादा अब्बू की मदद करते और वो हम सबसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे अपने बच्चे। मेरे अब्बू बहुत ज्यादा अकेले हो गए अभी, मतलब उनको ऐसे कुछ सपोर्ट नहीं है, अगर वो रहते तो एक बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट रहता। तो वही हम लोग मतलब बात करते ही रहते हैं घर पे, बट मम्मी और चाची दोनों, मम्मी तो बहुत जल्दी रोते, चाची भी इमोशनल हो गए सबके बारे में। अब अब्बू के बारे में, हाँ अब्बू को बहुत सारा थैंक यू, मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे इतना केपेबल बनाए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सब कुछ अब्बू ने अपनी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करके किए। और मम्मी ने भी मतलब मेरे लिए गोल्ड पूरा सैक्रिफाइस कर दिया और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम लोग बहुत मिस करते हैं, वो हमारे साथ पहले रहते थे, अभी वो मतलब बाहर रहते हैं, लेकिन वो शाय है, वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं सबसे। वही, और ये मैं बाजी की एक बात बताती हूँ, ये कभी रोती नहीं है, ये मतलब इतनी स्ट्रांग है, हमारे घर में कोई भी रो देगा, ये और अब्बू नहीं रोते, चाहे कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो जाए ये कभी नहीं रोती है। और मैं सब लोग को बहुत मिस करूँगी, हाँ। बहुत ज़्यादा मिस करूँगी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ वैसे, बट मैंने इसको अभी बहुत इयर्स में अभी रोते हुए देखी, फर्स्ट टाइम ये इतना रोई है, बहुत रोती हूँ इसलिए। हाँ। को स्ट्रॉन्ग नहीं रहना पड़े, बच्चों की हर विश पूरी करते थे, कहीं फिर जाना, कुछ भी खिलाना, बड़े बड़े होटल में ले जाना, वही बहुत मिस करते हैं। मेरे अब्बू, मेरे भाजन, हम लोग सब दादी अम्मा के बारे में तो बोल रही हूँ। हाँ, दादी अम्मा को भी बहुत मिस करते, एक बार झगड़ा हो गया था हम लोग का, मतलब मैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो मैंने दादी अम्मा और मम्मी दोनों को उठा के बाहुबली घुस गया था, बहुत ज्यादा टेस्टी चीज है। और ये कुछ टाइप का इसमें ड्राई फ्रूट्स, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, देखिए पिस्ता बादाम है, कुछ नए टाइप का हम ट्राई करके इसका रिव्यू जरूर देंगे। तो बाजी सबको सर्व कर रहे हैं, अभी हम लोग खा लेते हैं, मिलते हैं हमारी प्लेट। तो चलिए हम लोग खाती हूँ मैं और टेस्ट बताती हूँ आपको, बताना बाजी कैसा है, सानिया कैसा है टेस्ट, कैसा है, ये खा अच्छा है ना, ये अच्छा है चची टेस्ट, आपको कैसा लग रहा है इधर का जो, ये जो कुछ न्यू ट्राई करे अच्छा है, ये हरा भरा कबाब टाइप का हलवे चिकन तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो इसका भी टेस्ट अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये डिशेज के मैं नाम बता दूँगा, ये नूडल्स है, हम लोग को हमने इतना सारा मंगा लिया, हमसे खा कर ही नहीं उठा, अच्छा है, चटपटा है, स्पाइसी है। फिर से अब कैसा लग रहा है तुमको साटे, टेस्टी है और इन्जॉय हो कर रहे हो। तो अभी हम लोग घर आ चुके, हम लोग ने पता है बहुत ज़्यादा खा लिए थे, आज का दिन बहुत अच्छा था, हम लोग ने सोचे नहीं था हमारा ब्राइड टू भी इतना अच्छा रहेगा, गेम्स खेले। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाजी को उनकी शादी की बहुत सारी विशेज़ देना, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, आप लोग स्टे ट्यून्ड, इंतज़ार करना, बहुत मस्ती करने वाले। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।